तो जैन भाई आपसे स्वागत है, आप सबको लगा हूँ BSF कॉन्स्टेबल 10 में 2282 पोस्ट का, जिसका फिजिकल आपको पता होगा स्टार्ट होने वाला है 22 मई से। इसका सभी बच्चों का एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, सभी बच्चे का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किया है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो जाकर BSF के साइट पर। तो चलिए बता रहा हूँ कि जो भाई का देखिए SSQ BSF कैंप रायनगर में पड़ा होगा, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी पोस्ट जलपाईगुड़ी, वहाँ के लिए बता रहा हूँ आपको। बेटा आज टेस्ट ना बजा रहा है ना बजेगा वहाँ वहाँ चेस्ट और रनिंग कितना होगा पूरा जानकारी दिएगा इस वीडियो में, पूरा जानकारी देखिएगा। तो चलिए बता रहा हूँ आपको कि जो देखिए BSF कैप SSQ BSF कैप ब्राइन में जिन भाई के भेजकर पड़ा है उनको बता दूँ, हाइट आपको बहुत अच्छे से नापा जा रहा जाएगा क्योंकि हाइट बहुत छूट है 62 सेंटीमीटर हाइट में आ गया है, समझिएगा वो फिर आप 62 सेंटीमीटर थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो आप पास हो जाएंगे। और चेस्ट भी 75 मांगा है, अब 75 से कोई बच्चे नहीं फेलोगे। और रनिंग बता दूँ तो 5 किलोमीटर का होगा, 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट समय मिलेगा आपको। अगर SSQ BSF कैप रायनगर का जलपाईगुड़ी में पड़ा होगा तो बता दो आपको 2 चक्कर माना हो वहाँ पर आपको रोड पर दौड़ा जाएगा, और ग्राउंड नहीं है वहाँ पर, बता रहा हूँ जानकारी दे रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट तो बच्चों का कम बहुत बच्चों का थोड़ा आपको फीस में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा भाई, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा उसमें, सिर्फ आपको एक आधार कार्ड चाहिए कोई और एक एडमिट कार्ड और 10वां का मार्कशीट टो कॉपी कर लीजिए। अगर आपको कुछ छूट में चाहिए ST वालों के लिए तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का टूकअप ले लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, इन सब रहेगा और कोई भी चीज़ नहीं लगेगा। तो सब चीज़ आएगा जो डॉक्यूमेंट में लगेगा जब टेस्ट डॉक्यूमेंट होगा रिटर्न के बाद थर्ड सेक्शन में जो होगा रिटर्न एडिटन के बाद होगा जो टेस्ट डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, पर आपको फिजिकल के लिए यही सब लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो जैसे चलते इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए अगला वीडियो में, तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो जैसे चलते